Hello. Hello friends, myself Ankit Mishra, I am from MNET Bhopal. Hello friends, myself Pankaj Yadav, I am from MNET Bhopal. Hello friends, I am Zakir Hassan, I am from Jamia Millia Islamia. Today we are sitting over here to discuss that a student what should he do when he crosses his graduation, then the consequences and effects that revolves around him. So what are the conditions what he should do after the graduation? For example, a student studying BSc, for example, from other courses of BSc, जब वो BSc complete करता है उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरा करियर यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो बीटेक कर पाया, तो बीटेक करने के बाद उसको ऐसा लगता कि मुझे जॉब मिल जाती, बट BSc करने के बाद एज वी नो इन इंडिया देर आर नो जॉब्स फॉर BSc रिगार्डिंग until it is honors or somewhat like that, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं BCA करा होता तो आज कोई मैं प्लेटफॉर्म पे होता, बट एज वी नो कि BCA भी आजकल के जमाने में आज के मॉडर्नाइज्ड एरियाज में BCA नो कंपनी विल टेक इट एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ पर्सन हु हैज डन BCA ओनली. एक ग्रेजुएशन करने के बाद एक बंदे को क्या करना चाहिए, तो here today we are discussing the possible ways, possible चीजें जो जो हैं आज के जमाने में क्या कर सकता है ताकि वो एक successful employment में हो जाए आज के sector में, आज के private sector में वो आज एक अच्छा employment पा सकता है. उसके लिए जैसे for example एक MCA master of computer application course है जो कि crash course graduation के बाद होता है, ये किसी भी field का बच्चा कर सकता है. all together all the demand maths in 12 मैथ्स इन 12th और ग्रेजुएशन इन ग्रेजुएशन विद 45% मिनिमम पास. तो MCA एक अच्छा आज कोर्स लॉन्च है, मतलब बहुत दिन से आई थिंक 1993 से MCA है और आज की बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सब में प्रेफर करा जा रहा है. तो एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करा हो आज के जमाने में और BCA या BSc करा हो जिसको स्कोप नहीं लग रहा है कि आज इसके आगे मैं क्या करूं, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चूज करने में है कि मतलब जब एक बच्चा 12th पास करता तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, वो कंफ्यूज रहता है. एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है उसको. इसी तरह ग्रेजुएशन आज के जमाने में हजारों ऐसे बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास क्या चॉइसेस हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद एमएससी पे जाते हैं, बट एमएससी इज आल्सो अ नॉन प्रोफेशनल कोर्स. लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल कोर्सेज उसमें नहीं, जैसे एडवांस कंप्यूटर साइंस का हो गया, मैकेनिकल से एडवांस नहीं करेंगे तब तक प्रोफेशनल्स में आपको जॉब नहीं मिलेगी. इफ यू वॉन्ट टू गो इन प्राइवेट सेक्टर तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है, एंड BCA इज टोटली 100% नॉन प्रोफेशनल. तो उसके बाद एक MCA एक ऐसा मेरे हिसाब से एक अच्छा कोर्स है जो प्रोफेशनल सेक्टर में आपको इंक्लूड करा देता है, और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, और इंडियन सैप है, आजकल IBM है, और इंडियन कंपनीज भी बहुत रिक्रूटर्स हैं हमारे पास, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसके बाद इंफोसिस, ये सब हम रिक्रूट करते हैं. तो आज के जमाने में बस ये डिस्कस करना चाह रहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास MCA जैसे कोर्सेज हैं, और MCA जैसे मैं जामिया से कर रहा हूँ, इट इज अ सेंट्रल डिग्री यूनिवर्सिटी, NITs बहुत अच्छी है, इफ यू हैव मोर देन 60% इन ग्रेजुएशन, NIT इज द बेस्ट प्लेस, इट हैज एन एग्जाम ओवरऑल NIMCET, नोन एज NIMCET, NIMCET के थ्रू वहाँ एडमिशन होता है, और NIMCET से आप एडमिशन ले सकते हैं. बाकी आफ्टर ग्रेजुएशन लड़का सोचता है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है, मैं क्या करूं, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, भले ही उसने BSc किया है, BSc सोचते BSc के बाद क्या करें, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है MCA कर ले. MCA के बाद उसको टॉप एजेंसीज में काम करने का मौका मिलेगा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छा ऑप्शन मिल नहीं सकता है. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आफ्टर BSc या ग्रेजुएशन, यू कैन डू इट. कोई ग्रेजुएशन करने के बाद काफी लड़कों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जैसे कि सोचते हैं कि हम क्या करें, MSc करें, टीचिंग लाइन में पकड़े. आज के जमाने में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बीटेक करना चाह रहे होते हैं बट JEE मेंस में और रैंक ना आ रहे होते, तो उनका भी सपना होता है एक तरह का इंजीनियर बनने वाला, तो वो रह जाता है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने का, तो यहाँ पे आप अपना सपना जो है वो दोबारा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 11 है,
11 MCA के लिए 11 90s हैं जो कि MCA कराती हैं, तो वहां पे आप जाकर के मतलब अपने जो भी आपने ड्रीम्स हैं, अपनी जो विजन्स हैं, अपने गोल्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। और पहले तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, सबसे अच्छी लाइफ, अच्छा कॉलेज, अच्छा करियर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना अच्छा करियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि NIT एक वेल प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी कोर्स के लिए। तो आज के जमाने में MCA अगर NIT करा रहा है तो आप अपने ड्रीम्स को वहां अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं और आप प्रोफेशनल की दुनिया में एम्प्लॉयमेंट में आप आ सकते हैं। ये है वहाँ का NIT का। और जस्ट लाइक BTech आप अच्छा से अच्छा पैकेज ले सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू बीटेक इन एवरी सेंस, इट इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। इट इज अ 3-year कोर्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 6 semesters। रिगार्डिंगली ईच कोर्स इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, जितना भी मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, इक्विवेलेंट होता है बीटेक के। और कंपनीज जो आती हैं कॉलेजेस में, वो प्लेसमेंट के टाइम पे वो बीटेक और एक साथ ही आपका प्लेसमेंट भी होता है। तो इन ऑल टुगेदर इट इज अ वेरी गुड कोर्स, यू मस्ट गो फॉर इट। और मतलब कभी ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास कुछ भी ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं बचा। MCA इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स टू एंटर इनटू प्रोफेशनल वर्ल्ड इन प्रोफेशनल कंपनीज एटसेट्रा। सो यू कैन वेरी वेल अचीव योर गोल्स एंड योर विजन्स ओवर हियर। थैंक यू।